तो मैं एक चीज बताती चलूं कि जब भी आपने फॉर्म डाउनलोड करना होता है तो आप लिखें pu.edu.pk या आप लिखें फॉर्म पंजाब यूनिवर्सिटी। ठीक है, जैसे ही आप ये लिखेंगे, इवन अगर आपको सरगोधा यूनिवर्सिटी का भी एडमिशन फॉर्म या रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, तो आप जब भी गूगल पे जाएंगे आप ये कीवर्ड्स लिखेंगे और सामने आपके ये पंजाब यूनिवर्सिटी का एडमिशन फॉर्म आ जाता है। जब आप एडमिशन फॉर्म्स खोलते हैं, यहाँ पर देखें एग्जामिनेशन एडमिशन फॉर्म में BA, BSc Part 1, Part 2, BA कंपोजिट नीचे आ जाए, BCom। अब यहाँ पे देखें MA लिखा हुआ है, रेगुलर लेट कॉलेज प्राइवेट और इम्प्रूव डिवीजन। इस पे आप क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये आपका चलान फॉर्म और ईच एंड एवरीथिंग, ये आपके पास वो फी फॉर्म चलान फॉर्म की आ जाती है। अब जो आपका एडमिशन फॉर्म है वो जो है, वेट, यहाँ पे जाके आप जैसे ही एडमिशन फॉर्म डाउनलोड करते हैं तो वो आपका कुछ यहाँ पे ऑनलाइन चलान फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा होता है डाउनलोड फॉर्म। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन फीस चलान फॉर्म, की फी आपकी ऑनलाइन भी सबमिट हो जाती है। अब ये स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है कि वो कैसे फी, अभी जो सिंगल फी चल रही है वो 5,180 रुपया चल रही है। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कंपोजिट देना चाहते हैं, कंपोजिट वाले स्टूडेंट्स को मैं बता दूं, आपको Part 1 का सेपरेट फॉर्म फिल करना पड़ेगा, Part 2 का सेपरेट फॉर्म फिल करना पड़ेगा, एक ही एनवेलप में डालेंगे और आपको डबल फी पे करनी पड़ेगी, यानी कि 5,180 रुपए एक फॉर्म के Part 1 के और 5,180 रुपए दूसरे फॉर्म के। दूसरी चीज, आप लोगों की जिनकी सप्लीज आई हुई है उनका भी सेम यही केस है कि उनका भी इसी तरह से फॉर्म जाएगा, Part 1 के 5,180 रुपए और Part 2 के भी 5,180 रुपए, जिन्होंने सप्लीज एनुअल के साथ देनी है। तीसरी चीज, जिन जो सप्ली दे चुके हैं उनको अभी Part 2 का फॉर्म फिल करना है, और जब उनका सप्ली का एडमिट वो रिजल्ट आ जाएगा तो उस वक्त जो है, अगर खुदा ना खास्ता सप्ली दोबारा हुई तो फिर वो Part 1 का फॉर्म दोबारा भेजेंगे। उस वक्त सिर्फ सप्ली होल्डर्स होते हैं जो अलाउड होते हैं कि वो सिंगल फी के साथ फॉर्म भेज सकते हैं। अगर Part 2 के स्टूडेंट्स ने इस इंतजार में है कि Part 1 का सप्ली का रिजल्ट आ जाए और फिर हम Part 2 में के लिए भेजेंगे तो टाइम गुजर जाएगा और उनको फिर डबल फी के साथ Part 2 करना पड़ेगा, इसलिए बेहतर ये है कि Part 2 का एडमिशन आप भेज दें जिस जिसने सप्ली दी हुई है। तीसरी चीज, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज सॉरी प्राइवेट एकेडमीज ये स्टूडेंट से कहती हैं कि जी आप हमारे पास आ जाएं, हम आपका रजिस्ट्रेशन भी भरेंगे, हम आपका जो है फॉर्म भी भरेंगे, हम सब कुछ करेंगे। ठीक है, आप हमें इतने पैसे देते हैं, और वो डबल ट्रिपल ले लेती हैं। होता क्या है, जब रेगुलर स्टूडेंट्स का के एडमिशन जा रहे होते हैं ना, तो वो आई थिंक सितंबर के दिनों में जा रहे होते हैं। आप लोग हैं प्राइवेट, प्राइवेट स्टूडेंट जो है प्राइवेट एडमिशन हमेशा एग्जाम से 3 महीने पहले जाता है, 3 या 4 महीने पहले, उससे पहले नहीं जाता, साल पहले कोई प्राइवेट एडमिशन नहीं जाता। रजिस्ट्रेशन जो है एग्जाम से 6 महीने पहले खुलती है हर कॉलेज की, और रजिस्ट्रेशन सिर्फ वो करवाता है जिसने यूनिवर्सिटी चेंज करनी है। लाइक अगर आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा है और आप चाह रहे हैं कि आपने मास्टर्स MA इंग्लिश लिटरेचर पंजाब यूनिवर्सिटी से किया है, फिर आपको पहले रजिस्ट्रेशन NOC लेना पड़ेगा। आप NOC US लेंगे, वो इसी तरीके से उनकी वेबसाइट पे जाएंगे और वहां जाके आप NOC का जो आपका फॉर्म है उसको डाउनलोड करेंगे, उसको फिल करेंगे, और आपको NOC विदिन 1 हफ्ता या 2 हफ्ते मिल जाता है। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड करेंगे, पंजाब यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करेंगे, आजकल डबल फी के साथ जा रहा है रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन कार्ड जो है आपका विदिन 1 वीक पंजाब यूनिवर्सिटी आपके घर पे दे देती है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन कार्ड आता है आप जो है एडमिशन भेज, ठीक है, तो ये होता है। और एडमिशन भेजने के लिए यहीं से आप डाउनलोड फॉर्म करेंगे, किसी आपको एकेडमी पे जाने की जरूरत नहीं है। मुझे मतलब बहुत सारी एकेडमीज सितंबर में स्टूडेंट से रजिस्ट्रेशन फी भी ले लेती हैं, ऑल दो उन स्टूडेंट्स की BA में भी रजिस्ट्रेशन पंजाब यूनिवर्सिटी से हुई होती है। अगर आपकी BA में रजिस्ट्रेशन पंजाब यूनिवर्सिटी से है
आपको दोबारा से एमए के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है, आपका सिर्फ एडमिशन जाएगा वो भी एग्जाम से 3 महीने पहले। ये प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए कह रही हूँ। जो रेगुलर स्टूडेंट हैं, जो सेमेस्टर सिस्टम जिन्होंने देना होता है वो करवाते होते हैं सितंबर अक्टूबर में जो है फी जमा, ठीक है, क्योंकि उनकी रेगुलर क्लासेस होनी होती है। आप लोगों की कोई रेगुलर क्लास नहीं होती, आपकी मर्जी, आप घर बैठ के पढ़ें, आपकी मर्जी है आप ट्यूशन जाएं ना जाएं, ये आपके, दैट इज अप टू यू, ठीक है। लेकिन क्या करना है, आपने सिर्फ एक फॉर्म, एग्जामिनेशन से 3 महीने पहले ये फॉर्म आप डाउनलोड करेंगे, या हम फॉर्म डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले जो पेज आता है यहाँ पे, ये डाउनलोड की ऑप्शन आती है, यहाँ से आप फॉर्म डाउनलोड करेंगे और किसी यूएसबी में सेव करेंगे, किसी भी शॉप पे चले जाएं, जो है फोटोस्टेट शॉप पे यूएसबी लेके या मोबाइल में सेव करके उनको ये सेंड कर दें, वो आपको उसी वक्त जो है वो इसका प्रिंट आउट निकाल के दे देंगे। प्रिंट आउट निकालने के बाद यहाँ पे देखें, पेज नंबर 1 देखिएगा, यहाँ पे लिखा है रजिस्टर्ड एडी एडमिशन फॉर्म फॉर एग्जामिनेशन एमए एमएससी। अगर तो पार्ट 1 है तो यहाँ पे लिखें पार्ट 1 एमए एनुअल पार्ट 1, ठीक है। यहाँ पे आप खाली एमए लिखेंगे, आपने यहाँ पे लिखना है कि आप एग्जामिनेशन किसके लिए दे रहे हैं, एमए के लिए। कैटेगरी में आप लिखेंगे रादर आप पार्ट 1 देना चाह रहे हैं और पार्ट 2 देना चाह रहे हैं या डिवीजन इम्प्रूवमेंट, इन तीनों में से कोई एक कैटेगरी लिखना है। जेंडर में आपने बताना है कि आप मेल हैं या फीमेल है। उसके बाद नीचे आ जाए, ये एक्चुअली ये खत का लिफाफा बना हुआ है, ठीक है, ये खत का लिफाफा होता है। अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी जाएं तो ये एक्चुअली खत का लिफाफा होता है, ये पहले पेज के ऊपर इंचार्ज फॉर्म सेक्शन, ये सारा इस एड्रेस के ऊपर। एक्चुअली आप बेशक इसी को काट के जो भी आप भेजेंगे ना एनवेलप, उसके ऊपर काट के उसको स्टिक कर दें, ठीक है, चिपका दें। फ्रॉम यहाँ पे लिखें जी, फ्रॉम जिस स्टूडेंट का नाम आएगा, हाउस एड्रेस आएगा, उसकी डिस्ट्रिक्ट आएगी कि जी रावलपिंडी है डिस्ट्रिक्ट, भावलपुर है, मुल्तान है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, वो आपने यहाँ पे बतानी है, ठीक है। दैट इज बेसिकली पेज नंबर 1 इज योर एनवेलप, ये आपका एनवेलप का पेज होता है। अच्छा, नीचे जब यहाँ पे देखें लिखा है रसीद हजा फॉर्म के दफ्तर वसूल होने पर आपको वापस दी जाएगी। अगर तो आप जाते हैं डायरेक्ट खुद पंजाब यूनिवर्सिटी तो यही रसीद जो है वो आपको काट के आपको दे देते हैं, लेकिन अगर आप बाय पोस्ट भेजते हैं तो फिर ये रसीद रिक्वायर्ड नहीं होती। बाय पोस्ट भेजने के लिए अगर आप टीसीएस करते हैं या यूएमएस करते हैं, कोशिश करें टीसीएस करें, वो जो टीसीएस की रसीद है ना, असल में वही आपकी रसीद है। ये रसीद सिर्फ उसको मिलती है जो बाय हैंड पंजाब यूनिवर्सिटी जाता है और उसको ये रसीद जो है वो मिलती है। बहरहाल आप फिर भी ये रसीद फिल कर दें, यहाँ पे अपना नाम लिखते हैं, फादर नेम लिखते हैं, रेजिडेंशियल एरिया लिखते हैं, एग्जामिनेशन अगेन वही एमए कैटेगरी और जो भी आपने लिखना है, ये आपकी अपनी मर्जी है। वैसे ये उनके लिए जरूरी नहीं है जो बाय पोस्ट सेंड करते हैं। उसके बाद ये नीचे सारा ऑफिस का काम है, इसको आप छोड़ दें, ये अब आपके काम का नहीं है। अच्छा, उसके बाद देखिएगा यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब पेज नंबर 2 पे देखें, पेज नंबर 2 फिल अप करवाने जा रही हूँ आपको। सबसे ऊपर कैटेगरी लिखा हुआ है प्राइवेट, ठीक है, आप लग आप सब प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं तो आप यहाँ पे प्राइवेट लिखेंगे। एक डिवीजन इम्प्रूवमेंट भी होती है, डिवीजन इम्प्रूवमेंट सिर्फ वो स्टूडेंट्स देते हैं जब आप पार्ट 1 और पार्ट 2 क्लियर कर लेते हैं ना, तो उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन होती है डिवीजन इम्प्रूवमेंट। बास स्टूडेंट्स की सेकेंड डेव नहीं बनती तो वो सेकेंड डेव या अपने मार्क्स इम्प्रूव करने के लिए डिवीजन इम्प्रूवमेंट के एग्जाम्स देते हैं। और पार्ट 2 करने के बाद आपका जब रिजल्ट आ जाता है पार्ट 1 और पार्ट 2, उसके बाद आपके पास 2 साल होते हैं, उन 2 सालों के अंदर आपके पास डिवीजन इम्प्रूवमेंट की ऑप्शन होती है। लेकिन अभी जो मेरे पास जो स्टूडेंट्स बैठे हैं उसमें कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो डिवीजन इम्प्रूवमेंट के लिए, आप सब प्राइवेट देंगे। उसके बाद लिखा हुआ है एग्जामिनेशन, आप यहाँ पे देखें नीचे ऑप्शन दी है एम ए एम एस सी। सब्जेक्ट यहाँ पे लिखेंगे आप इंग्लिश लिटरेचर, पार्ट यहाँ पे आपने मेंशन करना है पार्ट 1 है या पार्ट 2 है, आपने यहाँ पे बताना है आप एनुअल दे रहे हैं या सप्ली। अभी एनुअल एग्जाम्स जा रहे हैं, अभी सप्लीमेंट्री नहीं जा रहे, ठीक हो गया। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एनुअल 2019 2019 है ना, तो यहाँ पे आप 2019 मीडियम यहाँ पे आप इंग्लिश लिखेंगे। देखें अगर आप केमिस्ट्री का फिजिक्स वगैरह का पेपर देते हैं ना तो वो उर्दू में भी आते हैं और इंग्लिश में भी आते हैं, लेकिन आपका वैसे ही इंग्लिश मीडियम है तो आपका इंग्लिश ही होगा, ठीक है, ये नॉर्मली बोर्ड बोर्ड के जो एग्जाम्स होते हैं उनके लिए होता है।
यहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे, पंजाब यूनिवर्सिटी जो आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड इश्यू करते हैं ना, यहाँ पे वो नंबर आता है। फॉर एग्जाम्पल आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड भी गुम हो गया, फिर आप क्या करेंगे, आप अपना बीए का जो रिजल्ट है ना वो निकालें, उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर गिवन होगा पंजाब यूनिवर्सिटी ने जो आपको दिया होगा, यहाँ पे वो रजिस्ट्रेशन नंबर लिखें। उसके बाद नेम ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पे ब्लॉक लेटर्स में कैपिटल लेटर्स के साथ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे उर्दू में नाम लिखेंगे। इसके सामने देखे जेंडर आपने बताना है, मेल है या फीमेल है। अच्छा यहाँ पे रोल नंबर लिखा है, दैट इज ओनली फॉर ऑफिस यूज ओनली। CNIC नंबर लिखेंगे, फादर का नेम लिखेंगे ब्लॉक लेटर में, फादर का CNIC नंबर। अब इसमें चाहे आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, आपको फादर का ही चाहिए, ठीक है, हस्बैंड का नहीं चाहिए। प्रेजेंट एड्रेस में आप अपना करंट एड्रेस लिखते हैं जहां से आपने एग्जाम्स देने हैं। पास लड़कियों की शादियां हो जाती हैं, अम्मी अबू पिंडी में होते हैं, खुद लाहौर में होती हैं, तो जहां से आपने एग्जाम्स देने हैं ना, आप काइंडली वो वाला सेंटर लिखें। ये नहीं एग्जाम्स आपने पिंडी से जाके देने हैं और एड्रेस आपने लाहौर का लिख दिया, फिर वो आपके लाहौर में सेंटर बना देंगे, ठीक है। यहाँ पे जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है जहां से आपने पेपर देना ना, आपने वो वाला लिखना, ठीक हो गया। यहाँ पे परमानेंट डिस्ट्रिक्ट लिखें, जो भी आपकी परमानेंट डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ पे आपकी नेशनैलिटी जो भी है, मतलब पाकिस्तान, वो लिखें। रिलीजन इस्लाम है या जो भी है वो लिखें। और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपने अकॉर्डिंग टू आपका जो मैट्रिक सर्टिफिकेट है नीचे लिखा है, एज पर मैट्रिक सर्टिफिकेट, जो आपके मैट्रिक सर्टिफिकेट के हिसाब से आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो लिखेंगे। अच्छा, नेम ऑफ द सिटी एट विच यू हैव टू अपेयर, यहाँ पे आपने वो नेम ऑफ द सिटी लिखना है जहां से आपने अपेयर होना है, एंड मेंशन द सब्जेक्ट, ठीक है। मेंशन यहाँ पे आप इंग्लिश लिटरेचर लिखेंगे, क्योंकि मेरे पास ज्यादातर इंग्लिश लिटरेचर, बाकी जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनके जो जो सब्जेक्ट हैं आप अपने हिसाब से। अच्छा, यहाँ पे नीचे आता है नेम ऑफ पेपर इन विच टू अपेयर, कौन से पेपर में आप इस सब्जेक्ट के अपेयर होना चाहते हैं। अब देखें, सप्ली होल्डर्स भी होते हैं, जैसे कुछ स्टूडेंट्स की सिर्फ पोइट्री में सप्ली है और वो पार्ट वन का फॉर्म फिल करें, यहाँ पे सिर्फ पोइट्री मेंशन कीजिएगा, पोइट्री वन, ठीक है। अब पेपर कुछ यूं है, अगर पार्ट वन के स्टूडेंट है वो फर्स्ट में, अच्छा इसमें ना न्यू कोर्स पे टिक करेंगे आप सारे, और यहाँ पे लिखेंगे अगर पार्ट वन है तो लिखेंगे पोइट्री वन, देन पोइट्री टू, पोइट्री थ्री, पोइट्री फोर, पोइट्री फाइव, और अगर सप्ली है तो वो जो एक दो पेपर्स हैं आप बस वो लिखेंगे, सारे पेपर्स के नाम नहीं लिखने। और जो पार्ट टू के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पूरे के पूरे पेपर देने हैं, वो यहाँ पे लिखेंगे पोएट्री टू, ड्रामा टू, नॉवल टू, देन क्रिटिसिज्म, एंड फाइनली लिंग्विस्टिक्स, और जो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो। थीसिस अप्रूवल लेटर ये इंक्लूडेड नहीं है, यहाँ पे आप क्रॉस कर दीजिएगा। यहाँ पे लिखा है ईयर ऑफ लास्ट अपेयरिंग इन फॉर कंपार्टमेंट एग्जेम्पशन, ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी लास्ट ईयर कंपार्टमेंट है, यानी कि जिनकी सप्ली आई है, सिर्फ वो फिल करेंगे। जो जिनकी सप्ली है लास्ट ईयर और उन्होंने इस साल सप्ली के एग्जाम्स में, ये सिर्फ उनके लिए, सारे स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। उस हिसाब से उनका लास्ट ईयर क्या था, पार्ट कौन सा था, एग्जामिनेशन 2018 थे, और रोल नंबर आपका क्या था, सिर्फ ये जो सप्ली होल्डर्स हैं उनके लिए, सारे नहीं इसको फिल करेंगे। जिसकी सप्ली नहीं है या जिन्होंने सप्ली में अपेयर नहीं होना, वो इसको क्रॉस कर देंगे। उसके बाद फी इंफॉर्मेशन, वो जो आप चलान फॉर्म बैंक का भरते हैं उसमें आपने लिखना है, यहाँ पे 5,180 रुपए बैंक चलान नंबर, वो उस चलान नंबर जो बैंक आपको प्रोवाइड करता है वो चलान नंबर यहाँ पे आपने देना, और वो जो चलान नंबर की डेट है ना जो आपको वहां पे, वो यहाँ पे आपने लिखनी है, किस ब्रांच से आपने पैसे जो है वो सबमिट करवाए, आपने वो लिखना। नीचे सेक्शन नंबर 12 है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रीवियस एग्जामिनेशन इंफॉर्मेशन, ठीक है, कि आपके प्रीवियस एग्जामिनेशन, अगर आपने बीए आपका कंप्लीट है तो सिर्फ आप वो लिखेंगे, एमए एमएससी पार्ट वन अगर कंप्लीट है तो लिखनी है, अगर तो सप्ली है फिर नहीं लिखना, ठीक है। लिखा हुआ ईयर ऑफ पासिंग, ठीक है, पासिंग का मतलब ये कि सिर्फ जिनकी अभी पार्ट वन में सप्ली है वो एमए एमएससी के बारे में कुछ नहीं लिखेंगे, आपका ईयर ऑफ पासिंग बीए बीएससी है, वो कौन सा रोल नंबर था, ये सारी चीजें वो यहाँ पे आप लिखेंगे, ठीक है। जाहिर बात है पास होंगे तो डिवीजन मिलेगी। अब स्टूडेंट मेरे से पूछे, मैम पार्ट वन में इतने नंबर हैं तो बताएं क्या डिवीजन बन गई ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एमए एमएससी पार्ट वन, जिनका होली एमए एमएससी पार्ट वन क्लियर है वो यहाँ पे लिखेंगे, मार्क्स लिखेंगे, डिवीजन लिखेंगे, और यूनिवर्सिटी, जो जिनका एमए एमएससी पार्ट वन क्लियर नहीं है वो भी इस स्लॉट को फिल नहीं करेंगे।
उसके बाद टू इम्प्रूव डिविजन, ये आप लोगों के लिए नहीं है, ये वो जो स्टूडेंट्स पास कर चुके होते हैं और मार्क्स उन्होंने मजीद गेन करने होते हैं उनके. अब ये सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट है, आपके सिग्नेचर यहाँ पे वो वाले चाहिए जो या तो आपके आईडी कार्ड के ऊपर होने चाहिए, या यहाँ पे आपने वो वाले सिग्नेचर करने हैं सेम जो आप एग्जामिनेशन हॉल में जाके करेंगे. और यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस, जहाँ पे आप चाहते हैं कि आपकी डिग्री आए, ये वो वाला परमानेंट एड्रेस है. और कॉन्टेक्ट नंबर आप यहाँ पे देंगे, जो भी आपका फोन नंबर है. और नेम ऑफ द अटेस्टिंग अथॉरिटी, जो भी आपका फॉर्म फिल करेगा, सॉरी अटेस्ट करेगा, स्टैम्प लगाते हैं ना, किसी भी घर के पास कोई प्रोफेसर रहते हैं, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं जिनका आई थिंक 17th डिग्री वाला 17th स्केल वाला होता है जो शायद अटेस्ट करता है, ये आप कंफर्म कर लीजिएगा. बहरहाल किसी भी अटेस्टिंग अथॉरिटी के पास आप चले जाएं और उन्हें कहें कि मेरा ये पेपर अटेस्ट कर दें, उनका सिग्नेचर चाहिए, उनकी ऑफिस की स्टैम्प और उनका CNIC नंबर. अब जरा राइट साइड पे आ जाएं, यहाँ पे देखें लिखा हुआ है पास्ट फोटोग्राफ, ऊपर देखें पास्ट फोटो सॉरी पेस्ट फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज, पासपोर्ट साइज आपकी फोटोग्राफ होनी चाहिए विदाउट अटेस्टेशन, ठीक है, विदाउट अटेस्टेशन होनी चाहिए, साफ सुथरी लाइट ब्लू बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए. और उस तस्वीर के बैक साइड पे आपने नेम और फादर नेम मेंशन करना है ऑन द बैक साइड ऑफ द फोटो. यहाँ पे आता है जी थंब इंप्रेशन कौन सा देना है, उसमें नॉर्मली लोग लेफ्ट साइड का दे देते हैं, ठीक है, लेफ्ट भी ठीक है, राइट भी ठीक है, लेकिन नॉर्मली लेफ्ट का दिया जाता है. अच्छा जी, उसके बाद पास फोटोग्राफ देख लें, पासपोर्ट साइज, अटेस्टेड फ्रॉम फ्रंट, फ्रंट पे वो जो अटेस्टेशन अथॉरिटी है वो फ्रंट पे. अब जब आप अटेस्टेशन के लिए जाएंगे ना, तो यहाँ पे एक टिक मार्क कर लीजिएगा साइड पे, ताकि ऐसा ना हो कि वो सारी तस्वीरों पे अटेस्ट कर ले. जिस पे अटेस्टिंग चाहिए सिर्फ वो आपकी अटेस्टिंग अटेस्ट करनी है, फोटोग्राफ सारी अटेस्ट नहीं करनी. नेम और ये सारी आपने बैक साइड ऑफ द फोटोग्राफ और ये सारा आपने मेंशन करना. उसके बाद आ जाए पेज नंबर 3 पे, दैट इज योर लास्ट पेज. अच्छा, इसके बैक साइड पे ना, पेज नंबर 2 के बैक साइड पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, उसको पढ़ लीजिएगा. और वो जो है उसको पढ़ने के बाद आपने उसको साइन करना है. फी का उसमें जो मेन यहाँ पे लिखा हुआ है, इंस्ट्रक्शंस मैं आपको एंड पे पढ़ के सुना दूंगी, वो पेज नंबर 2 के बैक साइड पे होती है नॉर्मली, लेकिन यहाँ पे क्योंकि जब आप फॉर्म डाउनलोड करते हैं तो वो पेज नंबर 2 के बैक साइड की की जो इंस्ट्रक्शंस है वो पेज नंबर 3 के बैक साइड पे आ जाती है. यहाँ पे अगेन उसी तरीके से जैसे हमने पार्ट 1 का अभी पहला पेज नंबर 2 फिल किया है, सेम उसी तरीके से सारा आप फिल करते करते नीचे आ जाए, अगेन पेज नंबर 3 को फिल करते हैं. अच्छा, पेज नंबर 2 और 3 में क्या डिफरेंस है? सिर्फ ये कि वैसे का वैसे ही फी इंफॉर्मेशन अटेस्टिंग अथॉरिटी सिग्नेचर यहाँ तक, सिर्फ एक इसमें थोड़ा सा अच्छा, एक आपको चलान फॉर्म बैंक देगा, वो जो है ना वो आपने यहाँ पे एट द बैक साइड मस्ट बी पेस्टेड ऑन द बैक साइड ऑफ दिस पेज, इस पेज के बैक साइड पे वो चलान फॉर्म आपने पेस्ट करना है. इस पेज के बैक साइड पे एक जगह बनी हुई होती है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ. अच्छा, यहाँ सीरियल नंबर, ठीक है, ये ऑफिस के लिए होता है. आपने सिर्फ अपना नेम एड्रेस, नेम एड्रेस यहाँ पे चार जगह पे लिख देना, क्योंकि इन्होंने आपको ये स्लिप्स रख लेते हैं और इन्होंने जब भी आपको भेजना है तो वो आपको इसी नेम और एड्रेस पे स्टिक करके भेज देंगे. इंस्ट्रक्शंस देख लें, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस कुछ लिखी हुई है कि द कैंडिडेट आर एडवाइज्ड, a candidate is directed to read the read and comply with instruction here under before filling an admission form and fee receipt form. Isko aaram se baith ke padhe. The candidates are advised in their own interest to keep themselves in constant touch with PU website. Ki aapne constantly PU website ke sath in touch rehna hai, theek hai, and print media and also university offices to keep themselves well aware with the admission examination and result. स्टूडेंट्स रिलाई करते हैं पूरा एकेडमी के ऊपर. एकेडमी वाले शुरू में ही आपसे रजिस्ट्रेशन फी भी ले लेते हैं, आपको पता भी नहीं होता कि आपकी रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी भरी हुई है बीए में, और आप फिर भी रजिस्ट्रेशन के उनको दे आते हैं कोई 6,000 रुपए. और अभी जो पंजाब यूनिवर्सिटी की सिंगल रजिस्ट्रेशन चल रही है वो 3,000 कुछ रुपए है, और डबल जो है वो 7,000 कुछ रुपए, और साथ ही आप उनको एडमिशन दे के आते हैं 10,000 रुपए, और जिसमें वो आपको कहते हैं कि जी आप घर बैठे आराम से हम आपके फॉर्म्स फिल करेंगे, बस आपका एडमिशन हो गया. और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि एकेडमीज पैसे ले लेती हैं
और स्टूडेंट्स के ना तो उनकी रोल नंबर स्लिप आती है, ना उनके रजिस्ट्रेशन कार्ड आते हैं, और उनके वो जो फॉर्म्स होते हैं वो भी कहीं गुम हो जाते हैं, और वो लोग उनका कुछ भी फिल नहीं करते. सो बी केयरफुल अबाउट दैट. खुद ही अपना जो फॉर्म है उसको डाउनलोड करें, चाहे वो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है, चाहे वो एडमिशन का फॉर्म है, ठीक है. और फिर नो कैंडिडेट इज अलाउड टू अपेयर इन 2 डिग्री एग्जामिनेशन इन द सेम ईयर, ठीक है. कोई भी कैंडिडेट वो अलाउ नहीं है कि वो 2 डिग्री एग्जामिनेशन एक साल में दे सके, यानी कि दो मास्टर्स के एग्जाम्स आप एक साल में नहीं दे सकते. ऑल द एंट्रीज मस्ट बी फिल्ड विद ब्लू बॉल पॉइंट, तमाम एंट्रीज आपने ब्लू बॉल पॉइंट से बॉल पॉइंट यूज करना, इंक पेन यूज नहीं करना. ईच कैंडिडेट मेल और फीमेल मस्ट पेस्ट 3 लेटेस्ट आइडेंटिकल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विद स्काई ब्लू बैकग्राउंड एंड स्पेसिफाइड प्लेसेस, वो जो स्पेसिफाइड प्लेसेस है वहां पे आपने फिल करना. डिपॉजिट द रिक्वायरमेंट अमाउंट ऑफ फी इन एनी ब्रांच ऑफ हबीब बैंक लिमिटेड एंड यूनाइटेड बैंक लिमिटेड इन केस ऑफ एनी डिफिशियंसी इन द फी फॉर्म विल बी नोट एंटरटेन. किसी भी हबीब बैंक की ब्रांच में चले जाएं या यूबीएल की ब्रांच में चले जाएं, आपकी फी सबमिट हो जाती है. मैंने कराची से करवाई थी, ठीक है, और मेरा फॉर्म यहीं से, फी यहीं के एचपीएल में मैंने सबमिट करवाई थी. आप कराची में बैठे हैं, आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, आप इवन बाद ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, अपने पेरेंट्स को कहें या अपने बहन भाइयों को कहें कि आपकी फीस सबमिट कर दें, और जो भी अटेस्टेशन फॉर्म है, जो भी फॉर्म आपको मिलता है वहां से, वो चलान फॉर्म आप पेस्ट करें. फिर आता है एडमिशन फॉर्म विल बी एक्सेप्टेड अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल नोटिफाइड बाय यूनिवर्सिटी फॉर ईच एग्जामिनेशन. द एडमिशन फॉर्म अलॉन्ग विद ओरिजिनल फी पेमेंट चलान रिसेप्ट पेस्टेड ऑन बैक ऑफ द पेज नंबर 3. पेज नंबर 3 के पीछे आपको जो चलान फॉर्म मिलेगा आपने वहां पे पेस्ट करना. द कैंडिडेट इज अलाउड टू अपेयर इन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एग्जामिनेशन साइमल्टेनियसली. एक साल में आप दो सालों के पेपर दे सकते हैं, यानी कि दो पार्ट्स के पेपर दे सकते हैं. इफ ही एंड शी हैज पास्ड बीए बीएससी और बीकॉम और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन एट लीस्ट 2 ईयर्स बिफोर. अगर 2 साल पहले आपका बीए कंप्लीट है तो आप 2 सालों के इकट्ठे एग्जाम्स दे सकते हैं. लेकिन सच कैंडिडेट शेल सबमिट सेपरेट एडमिशन फॉर्म्स एंड डिपॉजिट फी फॉर बोथ पार्ट्स ऑफ एग्जामिनेशन. सेपरेट एडमिशन फॉर्म्स होंगे और दोनों की सेपरेट ही फी पे होगी. लेकिन मैं स्टूडेंट्स को कहती हूँ पहले एक पार्ट जो है वो आप पास कर लें, फिर दूसरे पार्ट के लिए अप्लाई कीजिएगा. ऐसे पैसे जाया करने वाली बात है. द एग्जाम्प्टेड कैंडिडेट में अलाउड टू अपेयर इन द फेलिंग पेपर और पेपर 1 अलॉन्ग पेपर 2 एग्जामिनेशन इफ अदरवाइज एलिजिबल साइमल्टेनियसली. अगर आपके 3 पेपर पास हैं तो आप पार्ट 2 के साथ भी पार्ट 1 के वो सप्ली पेपर्स दे सकते हैं, ठीक है. यू आर एलिजिबल फॉर पार्ट 2 एग्जामिनेशन, ठीक है. आप जरूरी नहीं है कि आप पार्ट 1 के 5 पेपर के इंतजार में है कि पार्ट 1 के 5 पेपर क्लियर होंगे तो फिर मैं जो है एग्जाम दूंगी. अच्छा, सच कैंडिडेट्स मस्ट सबमिट एडमिशन फॉर्म्स एंड डिपॉजिट फी फॉर बोथ पार्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेपरेटली. सप्ली होल्डर्स को भी उतनी ही फी पे करनी है जितनी के नॉर्मल एनुअल के स्टूडेंट्स को पे करनी है. फेल्ड कैंडिडेट फॉर सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन विल हैव टू रिमिट फी एंड सबमिशन फॉर्म टुगेदर टू द यूनिवर्सिटी ऑफिस विद 15 डेज आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट. The admission form will be entertained only if the attested photocopies of registration card and previous result card. ठीक है, admission form तब entertain होगा अगर attested photocopies आपके registration card की या previous result cards issued by university are attached with the form. आपका जो रजिस्ट्रेशन कार्ड है, जिन जिनके रजिस्ट्रेशन कार्ड्स गुम हो गए हैं, फॉर एग्जाम्पल बी ए बहुत अरसा हो जाता है, अक्सर लड़कियों के कार्ड्स गुम हो जाते हैं, पेरेंट्स के घर रह जाते हैं, रजिस्ट्रेशन कार्ड वो नहीं संभालती. पंजाब यूनिवर्सिटी के पास एक ऑप्शन है, आप सिर्फ उनको अपना NIC नंबर देंगे या फादर का NIC नंबर देंगे, विद इन 1 वीक आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड बन के आपके घर में आ जाएगा, ठीक है. दोबारा से रजिस्ट्रेशन भरने की जरूरत नहीं है. द कैंडिडेट डिजायरिंग टू इम्प्रूव देयर डिविजन marks in part 1 and 2 are together given 2 consecutive chances in 1 sitting immediately after passing the exam. jinko improve karni hoti hai division to chahe wo part marks in part 1 ho ya part 2 ho ya dono parts agar aapne ikatthe dene hain to aapko
2 सालों के अंदर आपको 2 चांस दिए जाते हैं, 2 एनुअल चांस दिए जाते हैं आपको, उन 2 सालों में वो पेपर क्लियर करने होते हैं. फिल योर नेम एंड फादर नेम अकॉर्डिंग टू योर BA/BSc रिजल्ट कार्ड डिग्री. इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी द फॉर्म विल बी रिजेक्टेड. फिल द यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर इन कंसर्न कॉलम. इफ नॉट ऑलरेडी रजिस्टर्ड देन गेट रजिस्टर्ड विद द यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब. Name of center city where you want to appear in the examination must be filled in the concerned column. जहां से आपने जिस सेंटर से अपेयर होना है वो आपको फिल करना है. बाकी ये बेटा आप सारा पढ़ लें. फिल द नेम ऑफ यूनिवर्सिटी फ्रॉम वेयर यू हैव पास BA/BSc. इफ यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड इन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन एंड फेल्ड कंपार्टमेंट मेंशन लास्ट प्रीवियस रोल नंबर. अगर आपके लास्ट ईयर जो भी आपकी फेल या कंपार्टमेंट है मेंशन करें लास्ट प्रीवियस रोल नंबर को, सेशन को, ईयर को और सब्जेक्ट क्लियरिटी को. जो पीछे हमने पार्ट वन का सेशन देखा था उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि आपकी सप्ली थी और आपका ये लास्ट जो मेंशन आपने करना है लास्ट ईयर रोल नंबर, ठीक है, जो आपके जब आपने एनुअल दिया था. अटैच अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ लास्ट फेल रिजल्ट कार्ड, अदरवाइज द एडमिशन फॉर्म विल बी रिजेक्टेड. और आपको लास्ट ईयर जो आपका जिन जिन की सप्ली है उनको वो लास्ट ईयर रिजल्ट कार्ड की फोटोकॉपी अटेस्टेड वो देनी पड़ेगी. द कैंडिडेट हु हैज अटेंडेड एनी कॉलेज एज अ रेगुलर स्टूडेंट एट एनी टाइम ड्यूरिंग द एकेडमिक ईयर प्रीसीडिंग दिस एग्जामिनेशन शैल नॉट बी एलिजिबल टू अपीयर इन एग्जामिनेशन. बाकी ये आगे देख लें बेटा, इसमें जो मेन चीज है वो नीचे देख लें, इसको सारा पढ़ लीजिएगा. फी आपने थ्रू मनी ऑर्डर, पोस्टल ऑर्डर, ड्राफ्ट एंड चेक शुड नॉट बी एक्सेप्टेड. ओनली HBL जाना है और आपको देने हैं. अब आपको क्या क्या चीजें चाहिए इस फॉर्म के साथ जो आपने अटेस्ट करनी है. कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड, कॉपी ऑफ BA/BSc रिजल्ट कार्ड डिग्री, कॉपी ऑफ MA/MSc पार्ट वन पार्ट टू रिजल्ट कार्ड, NOC माइग्रेशन सर्टिफिकेट इफ रिक्वायर्ड, और कॉपी ऑफ नेशनल आइडेंटिफिकेशन कार्ड NIC नंबर. ये सारे आपको जो है अटैच करने हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ. अटेस्टेशन में देख लें, द कैंडिडेट अपीयरिंग एग्जामिनेशन एज प्राइवेट हैव टू गेट द पर्टिकुलर ऑन फॉर्म अटेस्टेड फ्रॉम एनी गवर्नमेंट गैजेट ऑफिसर. फॉर्म विदाउट अटेस्टेशन विल बी रिजेक्टेड. नीचे देख लें, बिफोर सबमिटिंग टू द यूनिवर्सिटी चेक यूर फॉर्म, नोट दैट यू हैव फिल्ड ऑल द कॉलम्स टू द इंस्ट्रक्शंस मेंशनड हियर अबव करेक्टली एंड अटैच ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स. सेंड यूर फॉर्म विद डॉक्यूमेंट्स इन एनवेलप बाय रजिस्टर्ड AD टू इन चार्ज. फॉर्म सेक्शन एडमिन ब्लॉक कायदे आजम कैंपस यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर. अदरवाइज आई हैव रीड अबव इंस्ट्रक्शन केयरफुली एंड शैल अबाइड बाय देम. यहाँ पे डेट और यहाँ पे आपका सिग्नेचर. सिग्नेचर का मतलब ये है कि आप सारा कुछ पढ़ चुकी हैं, ठीक है. ये आपका टोटल जनाब आपका फॉर्म है और बाकी फॉर्म आपका फिल हो गया है. अब किसी का कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो यू कैन आस्क फ्रॉम मी. एनी क्वेश्चन क्लास? हेलो मैम, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी इकरा, बिल्कुल आ रही है, बताएं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मैम जो पार्ट होगा वहां से इसमें टेस्ट नंबर जो था एक स्लॉट जो है उसमें हम क्या लिखेंगे? नहीं 12 नंबर जो है उसमें BA का वैसे ही लिखेंगे, फिर पार्ट वन का हम नहीं लिखेंगे? एक मिनट. अच्छा इसमें ना सेक्शन नंबर 12 देखें, MA/MSc पार्ट वन आपने लिखना है. ईयर ऑफ पासिंग पार्ट वन, देखिए जिसकी तीन तीन पेपर्स क्लियर होते हैं उनका वो पासिंग ईयर कंसीडर होता है. आप लिखेंगे 2018, ठीक है. एग्जामिनेशन एनुअल और सप्ली आप बताएंगे कि लास्ट टाइम आपने कौन सा एग्जाम दिया था वो लिखेंगे. पास बाय और बाय पार्ट्स आप पास बाय इसको छोड़ दें. रोल नंबर जरूर मेंशन करें, जिसका फुल पास हो गया है वो लिख दें और जिसका बाय पार्ट्स है, बाय पार्ट्स का मतलब है कि मतलब सप्ली तो बाय पार्ट्स कर दीजिए. और रोल नंबर लिखेंगे आप अपना जो आपको लास्ट ईयर पार्ट वन में था. और मार्क्स लिखें, टोटल मार्क्स थे. डिवीजन आपको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है. और यूनिवर्सिटी आप पंजाब यूनिवर्सिटी लिखें. सही, तो मतलब पार्ट वन और पार्ट टू के फॉर्म में क्या डिफरेंस आया? यहाँ पे आप कह रही थी ना कि जिनकी सप्ली है वो ना करें फिल, जो हमने पार्ट टू का देना है इसको कर लें बेटा, इसको कर लें. क्योंकि अभी जब मैं पीछे से पढ़ रही थी ना इंस्ट्रक्शंस वहां पे लिखा हुआ था मेंशन करना. पीछे देखें इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई थी तो उसमें फिर मैंने देखा कि नहीं ये स्लॉट क्योंकि इन्होंने लिखा है MA/MSc पार्ट वन जो इन्होंने पास किया हुआ है. तो आप लोगों के जिसके तीन तीन पेपर भी क्लियर हो गए तो पार्ट वन आपका पास ही कंप्लीट फेल नहीं होता.
और कोई क्वेश्चन किसी का? हाँ जी, और अच्छा क्वेश्चन है, एक स्टूडेंट का मैम रजिस्ट्रेशन कार्ड और एडमिशन इकट्ठा भेजना हो तो कैसे भेजे? रजिस्ट्रेशन कार्ड जो नहीं, इसके लिए बेटा आप पंजाब यूनिवर्सिटी को कॉल करें। मेरा ख्याल है कि आप एडमिशन और रजिस्ट्रेशन कार्ड के लिए इकट्ठा अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक दफा यूनिवर्सिटी के हर साल ही रूल्स जो है ना वो आगे पीछे होते रहते हैं। इसके लिए आप लोगों को मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल पेज मेंशन किया हुआ था, आप काइंडली बेटा वहां से उनको एक दफा मैसेज करें, वो आपको आंसर कर देंगे। फोन शायद वो ना उठाएं, लेकिन वो जो फेसबुक का इनका पेज है वहां पे जरूर स्टूडेंट्स, वहां पे स्टूडेंट ही बैठे हुए या पीए कोई, वो जरूर आपको आंसर करेंगे। तो ये आप एक दफा रजिस्ट्रेशन का कंफर्म कर लें। और कोई किसी का क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन क्लास, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? No question? अच्छा, फॉर्म में ऑल सब्जेक्ट्स लिखेंगे, पोएट्री वन, ड्रामा वन। बेटा एक फॉर्म आपका पार्ट वन का फिल होगा, एक फॉर्म आपका पार्ट टू का। जिसने कंपोजिट देने वो दो फॉर्म फिल करेगा, एक फॉर्म पार्ट वन के हिसाब से फिल करना है, एक फॉर्म पार्ट टू के हिसाब से फिल करना है। और किसी का कोई क्वेश्चन? दुआ पढ़ ली, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो चलें जनाब दुआ पढ़ते हैं। अगर बेटा फिर भी आपका मिस हो गया हो तो ये रिकॉर्डिंग जो है मैं अभी अपलोड कर दूंगी यूट्यूब पे, वहां पे देख लीजिएगा फिर भी दोबारा से, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हुई। दुआ पढ़ लेते हैं। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।